हरे कृष्णा राधे राधे। आज हम उपदेशामृत का फर्स्ट श्लोक का श्रवण करेंगे, जिसमें हमें भक्ति में जो हमारे 6 वेग हैं उनको हमें छोड़ना चाहिए, जिससे हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सके। श्रील रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत में भक्त को शुद्ध भक्ति प्राप्त करने हेतु उपदेशामृत लिखी है, जिसमें 11 श्लोक बताए गए हैं, जिसमें हमें कौन सी चीज़ों को परित्याग करना है इसमें इनका वर्णन किया गया है। फर्स्ट श्लोक में कहा गया है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यु विशेहित धीर सर्वाम पिमाम पृथ्वीम सशिष्यात। इसका तात्पर्य, जो पुरुष अपनी वाणी के वेग को, अपने मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को, उदर के वेग को और जननेन्द्रियों के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वह समस्त पृथ्वी का शासन कर सकता है। अर्थात ऐसे जितेंद्रिय व्यक्ति के सभी जन शिष्य हो सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी इसमें हमें यह बताना चाहते हैं कि भक्ति के प्रतिकूल हमें इन 6 वेगों को त्याज्य कर देना चाहिए, यानी छोड़ देना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि काम, क्रोध, लोभ आदि दोष मानव के मन में उत्पन्न होकर उपयुक्त कार्य में कहे गए हैं कि 6 वेगों द्वारा मन को असत विषयों में अविष्ट कर देते हैं। ऐसे दूषित हृदय में शुद्ध भक्ति का अनुशीलन कदापि संभव नहीं होता। इसलिए यहाँ भक्ति प्रतिबंधक इन वेगों को दमन करने का उपदेश दिया जा रहा है। जो साधक इन वेगों को सहन करने में समर्थ हो जाता है,